ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और ममता बनर्जी ने ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है। ईवीएम के खिलाफ मनसे प्रमुख ने कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात भी की। दोनों लोगों ने ईवीएम के संदर्भ में बातें भी की। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में 21 अगस्त को ईवीएम के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। इसी मोर्चे में शामिल होने के लिए राज ठाकरे ने ममता बनर्जी को न्योता देने के लिए पहुंचे थे, मगर ममता बनर्जी ने कहा है कि मोर्चे में पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, मगर पार्टी उनके साथ है। वहीं 21 अगस्त को ईवीएम के खिलाफ मोर्चा निकालने की तैयारी में राज ठाकरे हैं। दुनिया भर में हर जगह पे ये मशीन जो है वो कैंसिल किए गए हैं, फिर अपने ही सिर्फ हिंदुस्तान में क्यों है? तो जो ओरिजिनली हम लोग जो बैलेट वोटिंग करते थे उस हिसाब से आगे के इलेक्शन होने चाहिए, ये हमारी डिमांड है, उसके लिए हमारे यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम मशीन के खिलाफ थाने के विश्राम गृह के पास मनसे ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन मनसे थाने शहर अध्यक्ष रविंद्र मोरे के नेतृत्व में किया गया। लोगों की मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए और ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए, जबकि चुनाव आयोग बार बार कहता है कि ईवीएम से चुनाव सुरक्षित होता है, मगर इसके बावजूद भी वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी होने की खबरें सामने आती है। यही वजह है कि ईवीएम मशीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नवनिर्माण सेना ठाणे शहराच्या वतीने या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजूला मी आंदोलन घेतलं। त्याचं कारण असं आहे, आज लोकमान्य टिळकांची पुण्यतिथी आहे, त्याचं औचित्य साधून मतदानाचा पवित्र हक्क हा सगळ्यांना त्याच्यात पारदर्शिता असावी। ती पारदर्शिता नाहीये, या सरकारचं डोकं ठिकाणावर नाहीये। या सरकारची निवडणुका लागल्या की ह्यांच्या सीट अगोदरच हे डिक्लेअर करतात की आमच्या एवढ्या सीट येणार, तर जर मॅच फिक्सिंग करत असतील त्याला मॅच खेळण्यात अर्थच काय? सगळे पक्ष जोमाने काम करतात पण ह्यांच्या अगोदरच ठरलेलं असतं, त्या गुजरातमधून मशीन वगैरे आणल्या जातात, हे कुठेतरी थांबावं। आणि हे संपूर्ण देशाचं म्हणणं आहे की सुरुवातीला जसे आपण बॅलेट पेपरवर वोटिंग करायचो तशीच यावेळेला पुन्हा तसंच करायचं। सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे हे पूर्ण भारतामध्ये फिरत आहेत, साहेब सगळ्यांना सांगतात, साहेब पोटतिडकीने फिरतात, तर कुठेतरी याला विरोध व्हावा म्हणून आम्ही आज ठाण्यातून सुरुवात केली आहे की आम्ही ईव्हीएम मशीनच्या विरोधात आहोत आणि ईव्हीएम मशीन आम्हाला नको आहे। प्रतिसाद चांगलाच मिळतोय, कारण काय सगळ्यांच्या मनातलं आहे, कोण पुढे यायला मागत नाहीये, ते सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे पुढे आले। तो वहीं ठाणे में मनसे का ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था, मगर 21 अगस्त को बड़े पैमाने पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे और कार्यकर्ता ईवीएम के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। आपको बता दें कि ईवीएम पर हंगामा मचा हुआ है। कई पार्टियां हैं जो ईवीएम के खिलाफ है, जिनकी मांग है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, मगर चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।